लो दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, ओके, लेट अस स्टार्ट आर के सिंपल क्लासेस. वेलकम सी यू. जहां पर मोटो ही है, पढ़े भारत बढ़े भारत. आइए उसी कड़ी में क्लास 10th के बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं. बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. सप्लीमेंट्री रीडर है ये आपका सेकंड बुक जो लगी हुई है इसके साथ. इसमें हम एक साइंटिस्ट की कहानी पढ़ते हैं. यू विल गेट द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज, बाद में बताते हैं, पहले राइटर का नेम देखते हैं. रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने इस साइंटिस्ट के बारे में लिखा है. ये लेसन हैज बीन रिटन, दिस लेसन हैज बीन रिटन बाई रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, और वही लिख रहे हैं. आइए, ये साइंटिस्ट हमारा ग्रिफिन जैसा नहीं है कि जो अपनी डिस्कवरी से ही अपनी मन माफिक चीजें करेगा. नहीं, दिस इज अ वेरी गुड साइंटिस्ट. इतना गुड लेसन है, इतना इंस्पायरिंग लेसन है, इतना मोटिवेटिंग लेसन है आपके लिए, फुल ऑफ टीचिंग, फुल ऑफ लेसन. तो आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं. इसमें जो साइंटिस्ट है उसका नाम है रिचर्ड एच एबराइट. हमारा साइंटिस्ट जो है वो रिचर्ड एच एबराइट है. तो रिचर्ड एच एबराइट इज द साइंटिस्ट, ठीक है, और इसी साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं. ब्रिलियंट साइंटिस्ट, फेमस फॉर रीडिंग ऑफ डीएनए. डीएनए की रीडिंग करेगा ये. आगे बताते हैं व्हाट इज डीएनए, और इसकी मदर जो इसको बहुत हेल्प करती है, और इसके एक टीचर हैं, सोशल साइंस के टीचर, वो भी इसकी बहुत हेल्प करते हैं, एक साइंटिस्ट हैं. तो यही हमारी स्टोरी है. अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है इस स्टोरी में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा रिचर्ड एवराइट है उसका एक आर्टिकल जो है ना, बहुत मशहूर विज्ञान की साइंटिफिक जर्नल है, उसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. इसमें उसका लेख छप जाता है और ही इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जिस मैगजीन में प्रोफेसर इवन बहुत मशहूर लोगों का भी लेख आर्टिकल नहीं छपता है, उसमें रिचर्ड एवराइट का लेख छप जाता है. इतना साइंटिस्ट, इतनी बड़ी उन्होंने थियरी प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट कर दिया है. लेकिन अब इसके पहले कि हम उस लेख के बारे में जाएं, इनके बारे में जानें, आइए लेट अस स्टार्ट करते हैं कि हु इज दिस रिचर्ड एच एवराइट. तो देखिए भाई, रिचर्ड एवराइट आज भी हैं, अभी प्रेजेंटली हैं अमेरिका में, वो यूनिवर्सिटी में है, और वो आज भी टीचिंग कर रहे हैं, आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. 63 ईयर्स ओल्ड के हैं रिचर्ड एच एबराइट. ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं. सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे जो आज भी हैं अभी, और उनके बारे में हमारी आपके उनके लाइफ से हम लोग क्या सीखेंगे, बस यही इस लेसन का मकसद होता है कि हम उसके लाइफ के बारे में, अपने लाइफ में हम उनके लाइफ से क्या सीखते हैं. दिस इज द मैसेज, ग्रेट मैसेज, और हम बार बार आपको इस बात को डिनोट करते रहेंगे कि हम क्या सीखते हैं. तो देखो, सबसे पहले रिचर्ड एबराइट के बारे में, तो उनकी मदर बताती हैं कि रिचर्ड एबराइट अपनी माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड हैं, और इनकी माँ जो हैं वो बताती हैं कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, रिचर्ड एबराइट ही मेरा सब कुछ है. और वो प्यार से रिचर्ड एच एबराइट को रिची करके बुलाती हैं. रिची इज माई होल लाइफ, वो कहती है, रिची इज माई होल लाइफ. और रिची के लिए उन्होंने लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा की हैं, कैमराज हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स वो लाती हैं ताकि उनका बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़े. जैसे मेरा भी मकसद है कि आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, हमारा देश बढ़े, हमारे बच्चे सीखें. वैसे ही कुछ अपने ये रिचर्ड रिची के लिए करती हैं, जिनको प्यार से रिची बुलाती हैं. थर्ड ग्रेड में होते हैं तो इनके पिताजी नहीं रहते हैं. अब रिची के बारे में बताया जाता है, रिचर्ड एच एबराइट के बारे में, क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं, कोई कैंपेनियन नहीं है रिचर्ड के साथ, तो इसलिए इन्होंने शुरू में क्या करना शुरू किया कि वो कलेक्टिंग रॉक्स फॉसिल्स एंड क्वाइंस, ये सारी चीजें अपने बचपने में उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया. और वहीं पर उनको कलेक्ट करने की एक हैबिट आ गई,
और जो कलेक्ट करने लगे बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज ये है बटरफ्लाइज। और बटरफ्लाइज तो आप जानते हैं, बटरफ्लाइज हम लोग भी बचपन में बहुत पकड़ रहे थे, आप भी पकड़ रहे होंगे बचपन में, हर कोई बटरफ्लाई पकड़ता है। सुंदर सी बटरफ्लाई जो कहीं सिट करती है तो लोग बड़े सीक्रेटली जाके पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ तो नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग ही उसको कैच कर पाते हैं। तो बटरफ्लाई से कैसे ये व्यक्ति इतना ग्रेट साइंटिस्ट बन गया? क्या एक छोटी सी भी पहचान, एक छोटी सी भी हमारी हॉबी इतनी बड़ी पहचान दिला सकती है? और ये इतना मशहूर व्यक्ति कि इसने बटरफ्लाई को बचपन में ही, सेकंड ग्रेड में था तभी उसने अपने आसपास की सारी स्पीसीज 25 स्पीसीज बटरफ्लाई की वो पकड़ चुका था, सब उसने कैच कर लिया था। इनको याद रखिएगा, ही वॉज बॉर्न इन रीडिंग, पेंसिल्वेनिया स्टेट है अमेरिका का, उसी के रीडिंग नामक प्लेस पर यूएसए अमेरिका में ही वॉज बॉर्न। थर्ड ग्रेड में थे, इनके फादर डाई कर जाते हैं, मम्मी के साथ रहते हैं, मम्मी इनके लर्निंग के लिए सारे चीज लाती हैं, उसका रिजल्ट ये देते हैं कि इतनी अर्निंग करते हैं, अर्निंग का मतलब यहाँ पर पैसा नहीं है, अर्निंग का मतलब इतनी अच्छी ग्रेड लाते हैं कि हमेशा टॉप द क्लास, अपनी क्लास को हमेशा इन्होंने टॉप की है। और उसके बाद एक बार हुआ कि ये बटरफ्लाई में इनका इंटरेस्ट जाने ही वाला था, इनको लगा कि बटरफ्लाई में, तभी इनकी मम्मी ने इनको एक बुक दिया, उस बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। इस बुक को याद रखिएगा, यही वो बुक है जिस इनके लिए पूरा ओपन कर दिया, व्हाट ओपेंड, ओपेंड द साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरा साइंस वर्ल्ड इनके दिमाग में ओपन कर दिया। और उसी की बदौलत उन्होंने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इनकी स्टार्टिंग होती है कि ये मतलब ये बटरफ्लाई तो कलेक्ट करते हैं, बटरफ्लाई में जो बुक है उसी के लास्ट में एक ग्रेट साइंटिस्ट का नाम आता है, और उस साइंटिस्ट का नाम है देखिए फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में कनाडा में प्रोफेसर हैं, वहां पर साइंटिस्ट हैं, जो खोज कर रहे हैं मोनार्च बटरफ्लाई पर। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस पर खोज करे या कोई करने तो टैगिंग करके, तो ये उस पर टैगिंग करना मोनार्च को शुरू कर देते हैं, मोनार्च बटरफ्लाई को। वहीं मोनार्च बटरफ्लाई को टैगिंग करते हुए ये पाते हैं कि वायसराय जो बटरफ्लाई होती है, बाद में इन्होंने बताया वायसराय बटरफ्लाई जो होती है वो कॉपी करती है मोनार्च की। इन्होंने पता लगाया कि यार ये वायसराय बटरफ्लाई जो होती है मोनार्च की कॉपी क्यों करती है, क्यों नकल करती है। इन्होंने पता किया कि जो बर्ड होती है ना वो वायसराय को ढूंढ ढूंढ के खाती है, क्योंकि वायसराय बटरफ्लाइज आर वेरी टेस्टी, मोनार्च आर नॉट सो मच टेस्टी, तो मोनार्च को नहीं खाती, तो वायसराय भी कम अक्ल की नहीं है, उन्होंने भी मोनार्च जैसा बनने की कोशिश की है ताकि उनको बर्ड्स न खा सके, नहीं बर्ड अपना उनको ब्रेकफास्ट और डिनर बना रही हैं, तो वायसराय को। लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि एक बर्ड है स्टारलिंग जो कि मोनार्च को ही ढूंढ ढूंढ के खाती है, उसका फूड मोनार्च ही होता है। लेकिन ये उनको इनाम मिला, ये इसके लिए वो जाने गए। फिलहाल आपको याद रखना है कि कौन सी बटरफ्लाई किसको कॉपी करती है, तो वायसराय कॉपी करती थी मोनार्च को ताकि वो बर्ड फूड ना बन सके किसी बर्ड का। दूसरी चीज इन्होंने याद रखना है कि इन्होंने जब टैगिंग स्टार्ट किया ना, ही स्टार्टेड टैगिंग द मोनार्च, बहुत ज्यादा जब टैगिंग किए तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिला, क्योंकि टैगिंग करते थे तो उसका फीडबैक नहीं मिलता था, बहुत सारी को किए तो सिर्फ दो ही इनको मिलती हैं ये सब भी। अब इनकी जब सेवेंथ ग्रेड में थे तो इनको पता चला व्हाट इज साइंस, रियल साइंस की मीनिंग पता चला, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां याद रखिएगा। अभी तक इनको सेवेंथ ग्रेड में है, एंट्री इन काउंटी साइंस फेयर में जाते हैं और एक फ्रॉग टिश्यू पर कुछ लेकर के जाते हैं, वहां माइक्रोस्कोप से दिखलाते हैं, लेकिन ये वहां पर देखते हैं कहते हैं ये उनको कोई खास इनाम या कोई खास उनको पहचान नहीं मिलती है, क्योंकि वहां देखे कि जो लोग वहां पर लाए हैं ना वो लोग रियल एक्सपेरिमेंट करके लाए हैं। इनको पता चला यार कि इस तरह से ना रियल एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आप लाइफ में या साइंस के फील्ड में आप अपनी पहचान बना सकते हैं। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जीवन में किसी की कॉपी मत करना। अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो खुद क्यूरियोसिटी लाओ, डिटर्मिनेशन करो, सीखो, उसके बाद ही आप जीवन में कुछ बन पाओगे, यही सब सीखे दे रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने देखा कि मोनार्च का जो प्यूपा होता है, देखो
बटरफ्लाई होती है तो बटरफ्लाई के एग होते हैं, एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा के बाद बटरफ्लाई, ये चार स्टेज उसके होते हैं। स्टेज आपने पढ़े होंगे साइंस में, तो इतना डीप तो नहीं आ जाना पड़ेगा, वो तो साइंस की बात है, फिर साइंस कभी आएगा तो साइंस बताएंगे। लेकिन यहां पर जो है तो उन्होंने देखा कि जो मोनार्च प्यूपा होती है ना उस पर 12 टाइनी गोल्डन टाइनी स्पॉट्स हैं, चिन्ह है ऐसे ऐसे होते नहीं बटरफ्लाई के ऊपर वो लगे रहते हैं ऐसे धब्बे धब्बे जैसे, तो उन्हीं को कहता है कि ये किस लिए हैं। जब लोगों से पूछा गया तो लोग कह रहे यार समझते नहीं, गॉड ने इसको डेकोरेट किया यार, ऑर्नामेंटल है, इसके गहने हैं, सजाया है गॉड ने इसको। लेकिन डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के थे और ये मानने को तैयार नहीं थे, कहे कि नहीं ये समथिंग कुछ और है। अब इसी से इनकी खोज स्टार्ट हो गई, उन्होंने पता किया कि यार 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं मोनार्च प्यूपा के ऊपर, ये ना ये एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक हार्मोन निकालते हैं, एक प्रकार का जैसे रस टाइप का होता है जूस, मतलब कि जो हार्मोन निकालते हैं, और अगर ये ना निकले तो एक प्यूपा जो है फुल बटर एडल्ट बटरफ्लाई नहीं बनेगा। बस क्या कहने यार, पूरा एकदम से तहलका मच गया भाई साइंस वर्ल्ड में, कि जो गहने कहे जा रहे थे वो तो निकले बड़े काम की चीज, वहां से हार्मोन निकल रहा है, हार्मोन वही उनको बड़ा कर रहा है। अब यहीं पर उन्होंने बायोलॉजी की सबसे डिफिकल्ट एक पजल जो है उन्होंने सॉल्व कर दिया कि सेल्स हमारी कैसे वर्क करती हैं, कौन सा फंक्शन होता है। तो जो डीएनए होता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की उन्होंने रीडिंग कर लिया। डीएनए जो होता है ब्लूप्रिंट फॉर द लाइफ, हमारे लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, क्या आता है, ये हमारा डीएनए बताता है। इवन एक बाल, एक कोई भी चीज, एक त्वचा की एक इंच भर जगह मिल जाए डीएनए किसी का, वो बताया जा सकता है, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई जा सकती है। डीएनए इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमारे आपके पढ़े होंगे सेल में, सेल को ही इन्होंने किया था, डिफाइन किया था सेल। और उनकी इस खोज से ना समझिए कि बहुत सारी डिजीजेज, इवन द कैंसर, कैंसर लाइक डिजीजेस को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प मिलता है। और पूरी दुनिया में रिचर्ड एच एवराइट फेमस हो जाते हैं। अब यहां पर उनके उस टीचर का नाम आता है, जो उनके टीचर थे, तो उनके टीचर का नाम है भाई मिस्टर वेहरर, मिस्टर रिचर्ड ए वेहरर। रिचर्ड ए वेहरर बताते हैं, मदर ने बताया, दो ही का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है इनके लाइफ पर, एक इनकी मदर का और एक इनके मतलब रिचर्ड ए वेहरर जो इनके सोशल साइंस टीचर हैं। ये बताते हैं कि रिचर्ड जो था ना किसी भी काम को इतने बेस्ट तरीके से करता था, इनाम के लिए नहीं, ताकि वो लोग याद करें कि यार कितने ढंग से किया, और इनाम तो उनको मिलता ही था, और इन्हीं की बदौलत वो बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर, एक चैंपियन डिबेटर, एक फोटोग्राफर। खुद रिचर्ड एच एब्राइट ने, रिची ने लिखा है कि मेरे लिए अगर दुनिया में कोई परफेक्ट व्यक्ति है ना तो हमारे यही टीचर है, कौन, रिचर्ड ए वेहरर। रिचर्ड ए वेहरर इज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, इन्होंने कहा था। तो भाई टीचर के लिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया है। ठीक ऐसे ही इनका ये फेलो जेम्स आर वोंग को भी याद रखिएगा, जिनके साथ इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, ये इनका कॉलेज रूममेट है, इन्हीं के साथ उन्होंने अपनी वो थियरी दिया था सेल लाइफ पर, और इसी से ये दुनिया में जाने जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी में इनको बहुत इंटरेस्ट था, चांद सितारों को देखना, कभी कभार रात रात भर चांदों को, सॉरी सितारों को ही देखते रह जाते थे, और एस्ट्रोनॉमी में भी इनकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थी। ये सारे इनके इंटरेस्ट थे, इनकी मदर ने इनको क्या कहा, और इस तरह से इन्होंने साइंस वर्ल्ड को अपना एक नेम, अपना एक फेम, और आज भी दे रहे हैं, बहुत मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं ये। तो इनके बारे में है। अब आप सोचेंगे कि इस साइंटिस्ट से यार हमको क्या सीखना है। देखो इस साइंटिस्ट की स्टार्टिंग आप देखिए, इंटरेस्ट आप देखिए, ये आप सीखिए अपने लाइफ में, यही सारी चीजें, बिग लेसन आपका यही है कि क्यूरियोसिटी जगाइए। क्या बटरफ्लाई पकड़ने वाला एक साइंटिस्ट एक दिन वर्ल्ड में कैंसर जैसी डिजीज, डीएनए जैसी चीज पर, और बायोलॉजी की सबसे कठिन पजल पहेली पर इतना अच्छा थियरी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है। ये तो रिचर्ड एवराइट ने सिद्ध कर दिया ना।
तो आप भी लाइफ में रिचर्ड एच एब्राइड बनिए, अपनी मदर, अपने टीचर और अपने किसी और जो भी आपको हेल्प कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, सबसे सीखते चलिए। क्योंकि एक दिन सीखोगे ना, लर्न एंड लर्न, वन डे यू विल अर्न ए लॉट ऑफ नेम, फेम, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड यू विल अर्न करोगे। तो इसी सीख के साथ आज का ये लेसन आरके सिंपल क्लासेस पर, जो आपको मुफ्त में, कोई मेरे पास कोर्स नहीं है, आई हैव नो कोर्स एट ऑल, बस आप पढ़ें, आप बढ़ें, मेरा देश, मेरा प्रदेश, सब लोग पढ़ें। इन्हीं के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, वैसे कहने की बात तो नहीं है, आप लोग समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच।